जाते जाते बाबा को देख लेते हैं। गाइस भाभी का डोसा आ चुका है बट हमारी चाय भी तक नहीं आई है। गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और हम लोग रेडी हो चुके हैं और मैंने कुछ सेम ही मतलब सेम क्या मैंने वही पहना है जो कल पहना था शाम को, तो क्योंकि मुझे लूज लूज चाहिए और मेरे सारे कपड़े मेरे टाइट आ गए गलती से, तो मैंने यही पहन लिया। बाकी ये लोग भी रेडी हो गए हैं। आरब की नींद नहीं खुल रही है और कंचन कंचन भी रेडी हो गई है यहाँ पे। कंचन कंचन कैसी लग रही है आप तो कमेंट कमेंट में जरूर बताना। और पहले करेंगे हम नाश्ता उसके बाद निकलेंगे, बाकी पैकिंग वैकिंग तो सारी हो चुकी है हमारी, बस सीधा गाड़ी करते हैं और निकलते हैं। तो वैसे जाते जाते बाबा को देख लेते हैं और मिल लेते हैं क्योंकि अब निकल ही रहे हैं। ओम साई राम नाश्ता करने देंगे, 9 तो बज गए यहीं पे, लेट हो गए हम लोग करते करते। मुझे नहीं लगता नाश्ता करने देंगे, 9 बज गए हैं। तो वैसे भी हम पहुंच चुके हैं रेस्टोरेंट में। गाइस भाभी का डोसा आ चुका है बट हमारी चाय भी तक नहीं आई है और मुझे लग रही है बहुत तेज भूख। मैं नहीं खाऊंगा यार चाय पीनी है। तुम खाओगे डोसा? नहीं मैं खाओगे। हम दे नहीं रहे तो खाओगे कैसे? तो अब दे नहीं रहे सब सबूत है। ये रही हमारी टिकट और इसमें नहीं लिखा प्लेटफॉर्म कहाँ पे जाना है। हम करेंगे इसी गाँव में चाय। तो अभी गाइस हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया है और अभी चलते हैं स्टेशन। आगे बैठे रहो, देखो मैं पीछे मुड़ के बार बार। तो गाइस यहाँ की मार्केट है। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं रेलवे स्टेशन पे और यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है, शिरडी साईनगर रेलवे स्टेशन A1। तो अभी गाइस चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, हमारी गाड़ी वहीं आएगी और बाकी हमारा सामान क्या चीज सेकंड एसी A1। सब आ जाएगा। आराप चलो भैया। तो ये कर ली हमने यहाँ से एंट्री और ये रहा टिकट काउंटर। अभी गाइस चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हमारे आन प्रवेश एंड ट्रेंस। जेम में मेरी उस पार लगी ट्रेन तो ये खड़ी ट्रेन जो कि हमारी नहीं है, हमारी ट्रेन है उसके अपोजिट साइड को। गाइस 1200 किलोमीटर हम लोग ट्रेन से करने वाले हैं सफ़र और मेरा तो काफ़ी टाइम मैं तो करता रहता हूँ सफ़र, बाकी जो भाभी हैं उनका ये फर्स्ट या सेकंड टाइम होगा और जो बाकी राधा वगैरह हैं उनका ये उनका भी सेकंड टाइम है बट इन्होंने इतना लंबा सफ़र आज तक नहीं करा तो उनके लिए तो ये फर्स्ट टाइम ही है। तो 1200 किलोमीटर देखते हैं कैसे बीतता है हमारा 3rd AC, 2nd AC में। और अभी चलते हैं, भैया तो तेज़ी तेज़ी में जा रहे हैं आगे क्योंकि 9:40 हो चुके हैं और 10 मिनट में ट्रेन चली जाएगी। तो अभी चलते हैं जल्दी जल्दी थोड़ा। गाइस मैं वहां से यहां पे आ चुका हूं छलान मार के और भैया देखो वहां पे जा रहे हैं, अभी वो पूरा घूम के आएंगे वहां से फिर इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे क्योंकि वहां से इस साइड आने का भैया का रास्ता नहीं था तो वो आ रहे हैं पटरी वाले रास्ते से। तो अभी चल देखते हैं, ट्रेन तो हमारी है पीछे जो खड़ी है वही है। तो गाइस भैया आ चुके हैं पीछे पीछे और अभी चलते हैं, बाकी लोग वहाँ पे पहुँच चुके हैं
प्लेटफॉर्म पे मैं ही भैया के साथ आया हूँ पीछे घूमता हुआ। गाइस बहुत तेज धूप लग रही है यहाँ पे, तो गर्मी भी बहुत है। सो गाइस ये रही अपनी साईनगर शिरडी कालका एक्सप्रेस, ये है थर्ड एसी कोच और ये भी है थर्ड एसी कोच, और हमारा जो है थर्ड एसी फिर सेकंड एसी हमारा A1, तो अभी चलते हैं वहाँ पे, बाकी लोग तो वहीं खड़े हैं। ये है अपना सेकंड एसी का डब्बा, तो गाइस अभी हम बैठ चुके हैं ट्रेन में, लेकिन जिस हालत से ट्रेन है ना उस हिसाब से मैं सोचा नहीं था कि मतलब मेरे साथ इतना बुरा होगा, क्योंकि मैं ट्रेन में वैसे ही नहीं बैठना पसंद करती। और सौरभ भाई ने मुझे पता है क्या बताया था कि ट्रेन में गेट लगे होंगे हमारे केबिन में, लेकिन ये पर्दे लगे हुए। अब हमारा ये इतना शरारती बच्चा, ये कैसे बचे, मतलब इसको मैं कैसे संभालूंगा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। इतना गुस्सा आ रहा है ना ट्रेन में, मुझे वैसे ही नहीं बैठना था, सिर्फ इनका जो सपना है ना उसको पूरा करना था, है ना, सपना ही तो पूरा करने आता है ना। हाँ तो एक ट्रेन सपना था बस, किस किस को अच्छा लग रहा है सही बताना, मेरे साथ कौन कौन है? हाँ भाई मेरे साथ कौन कौन है? तुम्हें तुम्हें पसंद आया? मेरा तो फर्स्ट टाइम है भाई, मुझे क्या पता, एक्सपीरियंस बताऊंगा तो सुबह 7 बजे। नहीं मतलब अच्छी लग रही है, वैसे बैठते ही अच्छी लगी, नहीं मेरे को कंफर्टेबल तो फील नहीं हो रहा पर मेरे को फिर भी सौरभ भाई को तुम्हें कैसा लग रहा? जाहिर सी बात है, मुझे अच्छा लग रहा होगा, इनको मस्त लग रहा है क्योंकि पहले मुंबई ट्रेन से जा चुकी है, इससे लंबा सफर था बल्कि। नहीं वो छोड़ो, क्योंकि इन्हें पसंद है, इन्हें पसंद है भाई, अरे भाई इन्हें पसंद, इन्हें पसंद है ना ये 24 घंटे पूरे साल। सौरभ भाई एक काम करो तुम ना, सुनो तुम जॉब कर लो, यही चीजें तो अच्छी लगती है ना। ट्रेन ऐसे चल रही है जैसे जैसे ट्रेन को कुछ हो गया, लग हाँ भाई ऐसे चलेगी क्या की आने लग है? ये देखो एसी ट्रेन बोल के मुझे पंखे में लेके आए, ये देखो नहीं हाथ होगी सौरभ भाई का सबसे, पर ये भी कुछ बताना चाह रहा है, इसको कैसा फील हो रहा है तुम लोगों को देख के, तुम्हें मैं ही मिली थी क्या जिंदगी खराब करने के लिए? हैं सौरभ भाई तुम्हें मैंने बोला था ना मुझे ट्रेन नहीं पसंद, पंगा कहना चाहता तुम लोगों की बकवास सुन के मैं ही बोर हो गया, बहुत बंदे आए यहाँ पे सीट, बंद करो अपनी बकवास, ऐसे लोग नहीं आए। ये ट्रेन का सफर कैसा अच्छा लगा? हाँ कैसे बात करते करो, या किसी इंसान को बोले थोड़ी देर सो जाओ, मैं फोन पे में घुस के शायद मैं सो नहीं सकती, मैं कुछ खा नहीं सकती, मतलब ये ऐसे ही चलेगी ये बताओ। ये ट्रेन ऐसे ही चलेगी तो मुझे लग रहा, मुझे नहीं लगता कि चल रुकेगी। ओ भाई ऐसे मत करना भाई, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा ऐसे। भाई मेरे ख्याल से ना राजधानी होनी चाहिए थी, ये कौन सी राजधानी मुंबई जाती है, ये बोल रहे 32 प्लेटफॉर्म पे रुकेगी, नीचे पे नहीं रुकेगी, पर रुकेगी प्लेटफॉर्म पे, राजधानी तो रुकती नहीं है, राजधानी तो तेजी में चलती है, नहीं रुकती वो बड़े बड़े पे रुकती है लेकिन बहुत तेज चलती है वो, ये क्या है तेजी में चलती है, तो ये कौन सी ट्रेन है? ये तो मैं ओ भाई वाह ये लोकल है, कौन सी किस ट्रेन का नाम क्या, कौन सी श्रीनगर से कालका एक्सप्रेस, हाँ जी चार लोग रंजनी रजनी भैया, मेरा तो नाम ही चेंज कर दिया आपने भैया, वो जो फर्स्ट कोच होता है उसमें यहाँ गेट लगा होता है आगे फर्स्ट एसी में, गेट का जैसा रूम के जैसा करवा सकते हैं, चीज थोड़े पैसे ज्यादा देके हम
अभी कोई खाली होता से है नहीं ना। अच्छा है ही नहीं इसमें, अभी तो नहीं हुआ। ये कौन सी, ये ट्रेन का नाम क्या है? साईनगर सिटी नहीं ट्रेन, अच्छा ट्रेन का नाम ही है कालका एक्सप्रेस। कालका एक्सप्रेस ये ऐसी चलेगी जैसे चल रही है? नहीं अभी स्पीड बढ़ेगी, अभी वो टिकट काट रहे हैं। अच्छा तो क्या मतलब, और अभी चाय वाले आए वाले इतने घूमेंगे, अभी तो गए अपने पास। हाँ भैया जिंदगी हो गया झंडवा। फड़ बोलते मेरे गांव में इनको, जो गड्ढे हो जाते हैं ना इनमें, इनमें हम घर बना लेते थे। चाय वाले भैया लाए हैं चाय। कितने की है? कितने की भैया? 10 की। आलू की मस्त महक आ रही है ना। ट्रे तो आपकी बहुत बेकार है। सेफ रहती है। बड़े बड़े घर के लोग वो बेटी। हाँ। नेचर को स्वस्थ रखती है। झंड करती है लोगों ने झंड बिल्कुल। इन इन सब इन ने। ये तो है ही अलग जोकर। हम दोनों हैं नल्ले। ठीक है लेकिन मेरी जिंदगी हो गई भाई देव यार, अभी गर्म है थोड़ी बहुत, ना मैं पी पा रही हूँ ना ही मैं कुछ कहीं जा पा रही हूँ सच में, क्योंकि बॉयफ्रेंड इतने गंदे हैं कि मेरे को उल्टी हो गई और कुछ भी खा नहीं पा रही बाहर से। ये लोग फुल मजा ले रहे हैं, पेटिस वेटिस खा रहे और ये परेशान है। ये इसमें नाक में सुअर का बाल है। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली। कौन सा स्टेशन आ गया भाई? नई दिल्ली आने वाले। नई दिल्ली पे हम उतरेंगे। क्यों यहाँ पे सीन हो गया कि राधा ओटीपी दे रहे हैं हमें। मैंने बोला ओटीजी दे दो, तो बोल रही है ओटीपी दे दो। और कैब खड़ी हुई है, कैब खड़ी हुई है भाई हमारी। मैं झूठ बोल रही हूं। और ऊपर से ये देखो सुबह सुबह ऊपर सो रही थी, ऊपर से नीचे गिरी आके मेरे ऊपर अलग ही थोड़ी नहीं मैं। क्या हुआ था भाई? मैं उतर रही थी, नशा हो गया था। तो गिरना ही बोलते हो भाई। गाइस मेरा जो ट्रेन का सफर था ना बहुत ही बेकार निकला, और मैं अब दोबारा से कभी नहीं बैठने वाली हूँ इसमें, मतलब ट्रेन में नहीं बैठने वाली। वैसे तो बैठने वाली हूँ क्योंकि ट्रेन में तो मुझे वैसे ही नहीं पसंद था, और अब तो बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ इस इंसान की वजह से ट्रेन में बैठी हूँ। इन्हें मेरी जिंदगी खराब करी है। तुम्हारी कैसी रही? तुम्हारा सफर कैसा रहा? जर्नी बताओ, तुम कह रहे थे ना अपनी जर्नी बताओगे। कैसी जर्नी थी? कैसा था? काफी लंबा रूट था। और क्या, काफी लंबा ही रूट था वो तो सबको पता है, लेकिन ये बता तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मतलब मैं फर्स्ट रूट था तो बढ़िया, मजा नहीं आया मेरे को क्योंकि बहुत लंबा ही रूट था। पहले मेरे को छोटे रूट लेने चाहिए। कहते हैं ना पहले दिमाग को सीखना चाहिए था। तो फाइनली हम लोग ट्रेन से उतर चुके हैं और अब जा रहे हैं। मिलेगा भाई क्योंकि यहाँ तो बिल्कुल नहीं मिला, और अब तो मैं बिल्कुल भी बैठने वाली नहीं हूँ ट्रेन में। बाय बाय ट्रेन। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद हमारी कैब आ चुकी है, और यहाँ रखे जा रहे हैं हमारे बैग वगैरह, और उसके बाद चलते हैं अपने घर क्योंकि भैया जल्दी से पहुँचना है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है सुबह सुबह भी। तो गैस हम लोग फाइनली निकल चुके हैं, और ब्लॉग को करती हूँ एंड क्योंकि मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। घर पर इतनी हिम्मत है नहीं कि मैं ब्लॉग को एंड करूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो ब्लॉग, लाइक करना शेयर करना, और जो भी नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। अगर किस किस को ट्रेन में बैठना पसंद है वो कमेंट करना, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सबसे पहले सौरभ भाई का कमेंट आएगा कि उन्हें ट्रेन में बैठना पसंद है, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। इतनी ट्रेन स्लो स्लो, ऊपर से इतना स्मेल आ रही थी ना, मेरा जीना हराम हो गया भाई, इसलिए मेरी तो तबीयत खराब हो गई, और आरब के पापा की भी तबीयत बहुत खराब हो गई। तो हम लोग तो बैठने वाले हैं नहीं, बस से चल लेंगे, पर इससे नहीं भाई, ट्रेन से नहीं।